दोस्तों गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। तो हम अच्छे हैं दोस्तों, और स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मंटू वलिया चैनल में। उम्मीद करते होंगे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम लोग भी अच्छे हैं दोस्तों। जहाँ रहिए आप लोग हैप्पी रहिए। तो दोस्तों अभी तो चाय नाश्ता कर चुके हैं, सुबह का टाइम है, और छोटी मोबाइल चला रही हैं, मम्मी दीदी से बात कर रही हैं, पापा जो है गाना गा रहे हैं, सबकी एक्टिविटी बता चुके हैं। ओके तो दोस्तों अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी आज हम आप लोगों को इसी ब्लॉग में दिखाएंगे कि क्यों हो गया भौजी के लिए झगड़ा। लेकिन एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो क्या दोस्तों, चलिए ले चलते हैं आप लोगों को, मिलाते हैं उस जगह पर। तो देखिए यहाँ पर आग जलाया गया। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ठंडी पड़ रही है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ अलग ही तैयारी चल रहा है, भौरी बनाने की तैयारी चल रही है। और आप लोगों को दिखा दे कि इधर जो है ये लोई बना के रख दिया गया, भौरी गोल गोल करके रख दिया गया है। और इसके बाद जो है जब आग तैयार हो जाएगा तो उसमें भौरी पड़ेगा। पता नहीं शादी है कि रंगीन है, कौन सी वाली भौरी है तो नहीं पता है। और चोखा जो है बन के रेडी हो गया, क्योंकि उसका आलू आलू उबाल कर छोटी सब बना दी है। तो इधर सब देखिए, और इधर मम्मी भी पता नहीं क्या लेकर के आई है। मम्मी जो है भुट्टा लेकर के आई है कच्चा, और ये मूली लेकर के आई है दोस्तों। तो कितना महंगा बा, अदरक वैसे भी बहुत महंगा हो गया है। धनिया लेने गई थी मगर धनिया नहीं मिला, तो टमाटर वमाटर लेकर के आई ना मम्मी। हाँ धनिया मार्केट में खत्म हो गया था, इतनी रात को जाएंगी तो क्या होगा। क्या कब से काई पूरा लोई बना बना रखा, पपरियात हुई कुल कड़ा होत हुई। तो ये देखिए भौरी बनना रेडी हो गया है, एकदम आग एकदम धधक रहा है, और जो है सब लोग दाना दन भौरी लगभग 10 भौरी है, 10 भौरी में 4 जनी खा ले बा। आमे मम्मी खाली 10 भौरी में 4 जनी खा ले बा, हरदम इतने बना था नहीं लाग दो। 12 भौरी बा, 12 और 8 हुआ लाग दा। तो दोस्तों अभी ये लोग सेक रहे हैं, देखिए भौरी एकदम जला दे रही है, एकदम मम्मी को दिखाई नहीं देता है। बढ़िया बनाओ मम्मी, जला दे थू कुल। कितना झगड़िया लड़त बा, देखा गच गच गच। मजा आ रहा है। अब झमाई मगर बहुत तेज, चल जरवा दे मम्मी। आज तो बरसा बधवान बा, मजा आया ना, तो हर कुल प्लानिंग फेल हो गया। गिरावे जाते हैं कुल, कुल गिरावे जाते हैं। हमें तो पाई पगलो लोग नीचे खुदियार देते, तो अब तो सलो गरम रहा। असलम एक बार आगे लोग बनाए थे दोस्तों, अरे बाप रे बाप, मार राखी राखी, इसके बाद गिरा दिए सब जमीन पर। अब बताइए, क्योंकि उस पर मजा नहीं आ रहा था इसीलिए नीचे गिरा। अब देखिए इसमें धकाधक भौरी छुपाया जाएगा। ओहो वाह, क्या बात है, भौरी खाने वाले आ जाइए आ जाइए। तो ये कम पड़ जाये, जो राखी तो लोग भौरी चोरवावत है ना। जा फाइनली भौरी बनकर रेडी हो गया है, और यहाँ देखिए ढक दिया गया था, अब इसमें निकाला जा रहा है एक एक खुदियार करके, बोले तो खोद खोद करके जमीन से पृथ्वी के अंदर से निकाला जा रहा है। अब उसके अंदर देखिए आटा भौरी रख दिया गया है, अब इसके बाद क्या होगा, लय धपाक लय धपाक। देखिए देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को टेक्निक नहीं पता होगा तो देख लीजिए, इससे सारे राख जो भौरी में घुसे होंगे वो निकल जाएंगे। एक लोग पकड़ के पटका ना, एक लोग पकड़ के पटक दा। हाँ ये तो पटका जमीन है, तनी पटका। हाँ कपड़े से सारे राख निकल जाएंगे। तो भौरी हो गया है तैयार, चलेंगे अब सब लोग खाएंगे। ये खजाना किधर गया रे, देखिए एकदम साफ सुथरा हो गया। फाइनली भौरी रेडी हो गया, और यहाँ छोटी लेटे लेटे खा रही है। और आप लोगों को बता दें कि इधर हम भी हैं, जो कि प्लेट में चोखा लेकर के बैठे हुए हैं, और चल रहे हैं खाएंगे। ठीक है, आप लोगों को खाना होगा अच्छा लगता होगा तो घर भी बना लीजिए, क्योंकि काफी लेट हो गया है, इसे आप लोगों को नहीं खिला सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ना कि क्या हमारे घर में धमाल मचा हुआ है। तो जो है छोटी ही बनाती हैं, और सबसे ज्यादा
फरमाइश छोटी और पापा का ही रहता है भौरी का। और पापा बोल रहे थे भौरी बनाने के लिए, तो सारा सामान लेकर के आए थे, तो इसीलिए भौरी बना था। सब लोग खाए पिए और इन्जॉय किए हैं। आप लोगों को यह छोटा सा प्यारा सा मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते होंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छा ब्लॉग लगा होगा, तो कुछ भी गलत बोलेंगे माफ़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे ऊपर अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओके, बाय बाय।